बिगेस्ट पोर्टेस एसएससी जेई 2021 नोटिफिकेशन के लिए आज एसएससी जेई 2000 नोटिफिकेशन आपको एग्जाम डेट पोस्टपोन कराने या पहले लाना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा। पागल नहीं बनोगे इसके पीछे तो नहीं चेंज होने वाला, इसलिए वीडियो को देखिए, आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई को पागल बनना पड़ेगा। एसएससी जेई की तरफ आपको इंक्लाइंड है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे स्टूडेंट की सोच नहीं सकते हो कि यार एग्जाम 2023 में होगा, सभी को पता है, बट स्टूडेंट इसमें पागल हो रहे हैं। किसी की एज जा रही है, किसी की गर्लफ्रेंड जा रही है, किसी की शादी का प्रॉब्लम, बहुत सारी क्राइटेरिया की अभी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा इंजीनियर को। इंजीनियर नहीं जागेगा तो फिर ये वैकेंसी डूब जाएगी। 2023 में आपका मान लीजिए एग्जाम होता है तो 2023 के लास्ट तक आपका मेंस होगा, ज्वाइनिंग 2025, पंचवर्षीय योजना बन जाएगी और आप सोते रह जाओगे 5 साल में, पता नहीं कहां से क्या दुनिया हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो ये एसएससी जेई को आपको जागना पड़ेगा, इसके लिए आज 11 बजे बिगेस्ट प्रोटेक्ट है और 11 बजे आपको ट्विटर पे जाना है और हैशटैग लगाना है release_SSC और उसके बाद IRMS, उसके बाद आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो भी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आपको आज हैशटैग लगा के टैग करना है SSC.org.in को और अश्विनी आपके रेलवे मिनिस्टर को, क्योंकि दो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा तभी आ सकती है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है गाइज। तो इसलिए जागना पड़ेगा क्योंकि एसएससी जो कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है, सारे लिए तो अच्छा कर रहा है बट इंजीनियर के लिए बहुत बुरा कर रहा है गाइज, बहुत बुरा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है। जागो जागो, उसके बाद कुछ भी जान लगा दो, जैसे हर स्टूडेंट जान लगा, जैसे पढ़ाई में आप जान लगा देते हो ऐसे वैकेंसी के लिए जान लगा देते हो, लगाना पड़ेगा। उस लगा दोगे तो ये जरूर पोस्टपोन होकर आपके जून जुलाई में आ सकता है गाइज आपका एग्जाम, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगती है जरूर लिखिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, जय हिंद एंड वंदे मातरम।